तो हेलो वेलकम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल भाइयों। एंड गाइस यार, आप लोग पबजी मोबाइल लाइट के सच्चे लवर हो। एंड गाइस, पबजी मोबाइल लाइट अगर आपने यार एक साल से खेला है मेरे जैसे, तो गाइस यार आज का वीडियो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इमोशनली एंड थोड़ा यार बुरा हो सकता है। बिकॉज यार मैं आपको कुछ सच्चाई बताने वाला हूँ पबजी मोबाइल लाइट के बारे में, कि पबजी मोबाइल लाइट का इंडियन वर्जन आएगा कि नहीं। सच्चाई, ओके सच्चाई, बिल्कुल यार झूठ नहीं बोलूंगा। एंड बुरा लगेगा, मुझे पता है हर बंदे को बुरा लगेगा जो भी पबजी मोबाइल लाइट का लवर है, बट यार जो सच्चाई है वो बताना भी जरूरी है, बिकॉज काफी यूट्यूबर नहीं बता रहे एंड आपको यार कुछ गलत न्यूज बता रहे, तो गाइस मेरा काम वो नहीं है आज के वीडियो में। मेरा मेन मोटिव है गाइस आपको रियलिटी बताना, एंड वही चीज करूंगा। चाहे आप मुझे हेट दो या कुछ भी दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो सच्चाई है, जो रियलिटी है पबजी वॉलेट के इंडियन वर्जन को लेकर, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। इसलिए गाइस ये वीडियो पूरा देखना। एंड गाइस इस वीडियो में मतलब यार लाइक करो या ना करो, बट यार अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर जरूर करना, जिससे कि गाइस ज्यादा से ज्यादा पबजी के जो भी प्लेयर है वो ये वीडियो देख पाए एंड उनको सही चीज पता चलेगी क्या हो रहा है PUBG Mobile Lite के इंडियन वर्जन को लेकर। ओके तो गाइस चलो यार मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं अब कोई भी बिना बकवास के। ओके तो गाइस देखो यार, सबसे पहले बात स्टार्ट होती है गाइस PUBG Mobile Lite के इंडियन वर्जन की। क्रोनटन ने जब कहा, मतलब कि यार क्रोनटन ने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा कि PUBG Mobile Lite की क्या जरूरत है। ओके तो यार काफी सारे यूट्यूबर और पबजी मोबाइल लाइट के प्लेयर नाराज हो गए। उसके बाद गाइस पबजी, देखो यार क्रोनटन ने जो बात कही ना, उसके दो मतलब थे एंड दो लॉजिक थे। तो गाइस देखो यार, पहला लॉजिक क्या था क्रोनटन की बात का, हमारा लवर वाला था। मतलब यार देखो, लवर वाले लॉजिक में क्या है कि आप पबजी मोबाइल लाइट खेल रहे हो एक साल से, दो साल से, या एक साल से ही, ओके ज्यादा भी नहीं, एक साल से या छह महीने से, एंड आपको कोई ऐसा बोल देगा कि आप पबजी मोबाइल लाइट नहीं आएगा, गया पबजी मोबाइल लाइट, तो आपको यार गुस्सा आ जाएगा कि ये कैसे बोल रहा है पबजी मोबाइल लाइट नहीं आएगा। सेम मुझे भी गुस्सा आया, बट यार जो क्रोनटन ने बात कही थी ना, वो सेकंड लॉजिक के साथ कही थी। अब गाइस सेकंड लॉजिक को आपको समझना जरूरी है। तो गाइस देखो यार, सेकंड लॉजिक में था क्या, गाइस देखो सेकंड लॉजिक को समझने के लिए आपको जानना होगा पबजी मोबाइल लाइट की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब ये आया कैसे। तो गाइस देखो यार, पबजी मोबाइल जब 2019 में इंडिया के अंदर आया था, तो गाइस वहां पे उसका साइज 700 से 800 एमबी था, सबके फोन में चलता था स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब यार उस पर अपडेट आए पबजी मोबाइल में, और अपडेट आने की वजह से मतलब बार बार अपडेट आए तो 2 GB का गेम हो गया, फिर लो एंड डिवाइस में चला नहीं, इसलिए गाइस जो पबजी के डेवलपर थे उन्होंने यार लाइट वर्जन निकाला और फिर हमारा निर्माण हुआ, मतलब पबजी मोबाइल लाइट का निर्माण हुआ। आप समझ गए क्या प्रोसेस हुआ, क्या सब चला, मतलब जो भी अपडेट आए 4-5 महीने बाद पबजी मोबाइल में, जब साइज बड़ा हो गया पबजी मोबाइल का, तो लाइट वर्जन निकाल दिया डेवलपर ने। ओके तो यार दोस्तों, ये तो रही हमारी पबजी मोबाइल लाइट की उत्पत्ति की, बट यार अब बात को आपको समझना है ध्यान से थोड़ा। ओके अब देखो यार, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने यार बैन कर दिया है पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट दोनों को। क्यों? क्योंकि यार मतलब पहले तो वो चाइना की कंपनी के साथ मिले हुए थे, और सेकेंड चीज कुछ उनके मतलब यार पॉलिसी थे, मतलब सर्वर वगैरह हमारा जो इंफॉर्मेशन था वो भी कोई दूसरे कंट्री में नहीं जाना चाहिए, इसलिए गाइस उन्होंने पबजी को बैन कर दिया दोनों वर्जन। ओके अब यार फिर क्या हुआ कि पबजी कॉर्पोरेशन और जो बड़ी बड़ी इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स कंपनी थी, उन्होंने बात करी एंड उसके बाद उन्होंने एक पार्टनर ढूंढा जिसका नाम था माइक्रोसॉफ्ट। ओके माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में मतलब यार पहले ही सर्वर बिठा चुका है अपने, मतलब इंडियन सर्वर है उनके खुद के, माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया के अंदर, तो उन्होंने यार पबजी कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन किया। अब गाइस एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है पबजी की फिर से इंडिया के अंदर, एंड जैसे 2019 में यार पबजी मोबाइल आया था, वैसे गाइस अब फिर से यार 2020 में या 2021 तक यार पबजी मोबाइल इंडिया हमें देखने मिलने वाला है। मे बी यार अभी हमें नवंबर के एंड में ही देखने मिल जाएगा, जैसे कि हमें न्यूज आ रही है। तो यार देखो, पबजी मोबाइल इंडिया देखने मिलने वाला है, तो अब यार फिर से जो पबजी का साइज है ना, वो क्या कर दिया गया है, फिर से 700 MB कर दिया गया। ओके 700 MB जो था पहले वो कर दिया गया है। तो गाइस आप लोगों को जैसे कि मैंने कहा कि यार जब PUBG मोबाइल इंडिया में 2-4 अपडेट आएंगे, जब उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तो आपको PUBG मोबाइल लाइट का इंडियन वर्जन ऑटोमेटिक देखने मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, आप लोग बात को समझो कि देखो यार, PUBG मोबाइल इंडिया का जो अभी साइज है ना, वो 700 MB है, धीरे धीरे जब उसमें अपडेट आएंगे और इसका साइज बड़ा हो जाएगा एंड लो एंड डिवाइस में नहीं चलेगा, तो डेवलपर खुद ब खुद गाइस एक लाइट वर्जन निकाल देंगे इंडियन वर्जन का भी। बट यार अभी से एक साथ नहीं आ सकता, ये बात आपको समझनी होगी। ये मतलब यार अफवाह में मत जाओ कि आपको अभी देखने मिल जाएगा PUBG मोबाइल लाइट का इंडियन वर्जन आज आ रहा है, कल आ रहा है, नहीं भाई, इसमें टाइम लगेगा लाइट वर्जन को आने में, थोड़ा टाइम एंड आपको देना पड़ेगा। बिकॉज यार अभी देखो, PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्जन का जो साइज था वो था 2 GB। ओके
2GB, समझ रहे हो आप कितना ज्यादा था, बट यार उसको अभी कर दिया है PUBG मोबाइल इंडिया के लिए 700 MB, ओके MB में कर दिया गया है, मतलब आपका जो लाइट वर्जन था पुराना उसके साइज में PUBG मोबाइल कर दिया है। तो फिलहाल आप लोगों को PUBG मोबाइल इंडिया पे ध्यान देना है कि उसमें क्या आने वाला है, उसका अपडेट क्या होगा, उसकी क्या क्या चीजें होने वाली है, वो कब आने वाला है, ये नहीं सोच रहे कि PUBG मोबाइल लाइट कब आ रहा है, क्योंकि यार अब फिलहाल आपको PUBG मोबाइल इंडिया का जब तक वर्जन नहीं देखने मिलता है आपके प्ले स्टोर के अंदर इंडिया के अंदर, जब तक आप लाइट का सोचो भी मत और कोई मतलब भी नहीं है। ये आपको अफवाह बताई जा रही है कि अभी आ रहा है लाइट, ये आ रहा है, मतलब अभी फिलहाल नहीं आएगा PUBG मोबाइल लाइट। मैं आपको सच्ची सच्ची बोलता हूं, कोई भी मतलब यार फेक न्यूज़ या फेक वीडियो या कोई का भी दिल दुखाने की मेरी इच्छा नहीं है, बट जो सच है वो सच है एंड गाइस वो सच रहेगा। इसलिए गाइस मेरे मतलब यार मन में एक बात दबी हुई थी, क्योंकि यार मैं भी खुद मतलब PUBG मोबाइल लाइट खेलता हूँ, बट यार आप लोगों को गलत बताया जा रहा है कि PUBG मोबाइल लाइट आ रहा है, कल आ रहा है। नहीं यार, PUBG मोबाइल इंडिया आ रहा है आप लोगों के लिए, वही PUBG मोबाइल लाइट का इंडियन वर्जन होने वाला है, मतलब आप समझ रहे हो। और भाई मैं अभी फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि देखो यार, पहले PUBG मोबाइल इंडिया आएगा, ओके, तो हमको उसका स्वागत करना है, उसको खेलना है, बिकॉज यार वो सबके फोन में चलेगा। आपका 1GB रैम का फोन है, 2GB रैम का फोन है या 4GB रैम का, सबके फोन में PUBG मोबाइल इंडिया चलने वाला है। जो भी PUBG मोबाइल लाइट के पुराने प्लेयर थे जिनके फोन में PUBG मोबाइल लाइट चलता था, उनके फोन में PUBG मोबाइल इंडिया चलने वाला है। तो आप लोग खुश रहो, दुखी मत रहो कि यार नहीं चलेगा ये वो, नहीं भाई चलेगा, बिल्कुल चलेगा। नहीं चलेगा तो मेंशन करना स्टोरी में, मैं आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके दूंगा, ओके। तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा गाइस, कोई भी अफवाह में मत आओ, बिकॉज यार PUBG मोबाइल इंडिया का जो साइज है वो कम से कम कर दिया गया है। बात रही वहां के रिसोर्स मैप की, तो वो आपकी मर्जी, आपको डाउनलोड करना है कि नहीं, 10 मैप होंगे तो आपको डाउनलोड करना है कि नहीं, वो आपके फोन पे डिपेंड करता है, ना कि यार मतलब कुछ भी यार काफी अफवाह फैलाई जा रही है। वो आप लोग यार बस गेम आने दो, उसके बाद सारी अफवाह खत्म हो जाएगी। सारे लोग PUBG मोबाइल इंडिया का वेट करो, जितने भी PUBG मोबाइल लाइट के प्लेयर है मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप PUBG मोबाइल इंडिया को खेलना, वहां पे आपको एक अलग एक्सपीरियंस, एक अलग जुनून देखने मिलने वाला है। एंड मैं आपको काफी सारे फायदे इस वीडियो में कवर करता हूं, ओके। एंड गाइस बात रही इन्वेंटरी की, PUBG मोबाइल लाइट की हमारी पुरानी इन्वेंटरी का क्या होगा, गेम तो चल जाएगा, चलो मान लिया आपकी बात, ओके, अब इन्वेंटरी का क्या होगा। तो भाई यार देखो, काफी ज्यादा बताया जा रहा है कि इन्वेंटरी भी आपको PUBG मोबाइल लाइट की PUBG मोबाइल इंडिया में देखने मिल जाएगी, तो यार ये भी काफी अच्छी बात है। और यार आने दो ना, आएंगे जब हम बात करेंगे, डिमांड करेंगे क्रिएट कर दो। अभी गाइस फिलहाल उन्होंने कहा है कि आ रही है, तो आप अभी से बहस करके बैठे हो, नहीं यार भाई मतलब यार समझ रहे हो, बात को समझो यार, जरा पॉइंट को समझो। तो गाइस यही कुल मिला के बात है कि आपके फोन में PUBG मोबाइल लाइट अगर पहले चलता था तो आपके फोन में PUBG मोबाइल इंडिया भी न्यू वाला चलेगा। बात रही इन्वेंट्री की, तो आपको इन्वेंट्री भी आपकी जो PUBG मोबाइल लाइट की पुरानी है वो आपको PUBG मोबाइल इंडिया में देखने मिल जाएगी, सारी चीजें होएगी। बट यार आपको अभी थोड़ा टाइम है, रुको, अभी से मत बहस करो। और बात रही गाइस PUBG मोबाइल इंडिया के आने के फायदे वगैरह, जो भी है गाइस मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज अभी वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। एंड आने वाले वीडियो में आपको मैं बहुत सारी चीजें PUBG मोबाइल इंडिया के बारे में बताऊंगा, क्या होने वाला है क्या नहीं, PUBG मोबाइल लाइट के प्लेयर के लिए भी मैं बहुत सारी चीजें आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए गाइस आप चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब कर लेना, नीचे आपको लाल बटन सब्सक्राइब के देखने मिल रहा होगा, जिससे कि गाइस आपको सारी चीजें सही और सबसे पहले पता चले। एंड गाइस वीडियो को जरूर से यार शेयर करना, आप शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को भी सब सच्चाई पता चलेगी, वो यार कंफ्यूजन नहीं रहेगा, फालतू 10 वीडियो देखेंगे डेली के डेली की PUBG मोबाइल इंडिया आ रहा है वो आ रहा है, तो उनको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एंड गाइस यार उनको भी पता चल जाएगा हमें PUBG मोबाइल इंडिया का इंतजार करना है, ना कि PUBG मोबाइल इंडियन वर्जन का, ओके। ये बात आप अभी भी सुन लो, पहले PUBG मोबाइल इंडिया वर्जन आएगा, उसके बाद हम देखेंगे जो भी होगा। बट आप लोगों को अभी सब समझा दिया है, फिर से नहीं समझाना चाहता। एंड बस यार इतना ही था आज के वीडियो के लिए, अपने दोस्तों तक जरूर से वीडियो शेयर करना। और गाइस कोई मतलब गलत बात बोल दिया तो सॉरी यार दिल से, अगर बुरा लगा हो तो आपको। एंड बस यार आज के वीडियो के लिए मिलते हैं अब न्यू वीडियो में, जब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम।